मांगों को लेकर आदिवासी गोंड गोवारी समाज नागपुर में संविधान चौक में आमरण उपोषण पर बैठे हैं। बताया जाता है कि कास्ट सर्टिफिकेट व कास्ट वैलिडिटी से वंचित होने की वजह से आमरण उपोषण का रास्ता अपनाना पड़ा। दोस्तों, संविधान चौक नागपुर पे आदिवासी गोंड गोवारी समाज के सचिन चचाने और उनके सहयोगी अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं और ये उपोषण आम मरण उपोषण है। हम जानेंगे सचिन जी से कि आखिर ये उपोषण किस वजह से की जा रही है, उनकी क्या मांगे हैं और सरकार से अभी तक इस पर क्या एक्शन हुए हैं। 1956 मधी जी आमची शिफारस झाली होती ती गोवारी म्हणून झाली होती आणि एसटीच्या अनुसूचित जमातीच्या लिस्टमध्ये गोंड गोवारी लागण्यात आलेला आहे। तर आमच्याच नावाची ती शिफारस आहे आणि काकासाहेब कालेलकरच्या आयोगाच्या माध्यमातून ते शिफारस गोंड गोवारी झालेली आहे ना। आम्हाला ते आरक्षण 85% मिळालं सुद्धा आणि 85 एक काळा GR काढण्यात आला आमच्या विरोधात राज्य शासनाने। नियम बाह्य GR आहे तो आणि त्याच्यामध्ये खोटी नाटी माहिती देऊन कबा गवारी समाज हा वेगळा आहे, गोंड गवारी वेगळा आहे। हो, वागोबा नागोबा आणि ढाल आमची हे मुख्य देवता आहे आणि त्यांना आम्ही दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांचं पूजन होते, गावात फिरवल्या जाते त्याचं। अच्छा, अभी मुझे बताइए एक चीज, अभी जैसे सरकार ने बोला है कि ST अभी तक तो थे आप और अभी उसमें नया संशोधन लाया सरकार, तो अभी अगर आने वाली जनरेशन को ST की प्रमाण नहीं मिलेगा ऐसा ही है तो फिर वो तो जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। वही बात है ना सर, अभी कैसा है, हम जो मांग कर रहे है वो मांग तो दूर ही है, ये हमें अलग ही रास्ते से ले जा रहे है शासन। हमारी मांग है कि हमें ST चाहिए, मगर ST में वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जजमेंट है, उसमें हमारी संस्कृति बताई जाती है, हमारा संशोधन बताया जाता है। हालांकि जो गोंड गवारी जो बताते हैं ये कि कुरखेड़ा तहसील में उनके P1 रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, जो जिनको वैलिडिटी मिलती है, कास्ट मिलती है, उनके P1 रिपोर्ट ये गोवारी गोवारा गवारी है। तो हम यवतमाल से है सर। मैं वर्धा से हूँ। हाँ, क्वेश्चन, मेरा नाम पूरा किशोर गणपतराव चौधरी है। और आप भी हैं? चंदन कोरे बुल्ठाने से आया हूँ। आप भी उपोषण में, आप तीनों जी सर बैठे हैं, सब आपको पार्टी और बल बजावनी करनी है सर। हम ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब आदि में है, 18वीं सूची में शेड्यूल ट्राइब आदि के सूची में नाम है, लेकिन जो 1985 का जो GR रहा है वो GR के कारण हमको रोका गया था, हमारी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी रोकी गई थी। 25 जनवरी 2019 को कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी मिलना शुरू हुआ। गलत प्रमोट होने के कारण जो हमें न्याय मिल रहा था, जो हमको कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी मिल रही थी, उस पर रोक लग गई। जो 83वें नंबर में जो दिया गया है, हमारी संस्कृति जो दी गई है, ढाल पूजा, वागदेव, नागदेव, हमारे जो जन्मदिन की जो तिथि होती है या मरण दिन की तिथि होती है या जो कार्य होता है, विधि होती है, तो वो सभी शेड्यूल ट्राइब्स के रूल हम फॉलो करते हैं। 23 नवंबर 1994 में जो मोर्चा निकला था और उस मोर्चा में हमको SBC नाम से घोषित किया गया था। वो SBC कुछ दिनों के लिए था, यानी कुछ दिन तक तो आपको दिया जाएगा, उसके बाद में हम शेड्यूल ट्राइब की यादी में आपको जोड़ा जाएगा, ये बोला था उस मोर्चा में 24 दिसंबर को। तो उस मोर्चा में हमको फडणवीस साहब, मुख्यमंत्री शिंदे साहब और पूरी कमेटी ने ये भी आश्वास दिया था कि 1 तारीख को हम आपकी अंबल बजावनी करेंगे। अंबल बजावनी न करने का कारण आज हमको यहाँ बैठने के लिए भाग पड़ना पड़ा।